पहले नीलम मिश्रा। नीलम जी, आपने अभी सुना होगा मेरे रिपोर्टर वहां कुछ वोटरों से बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि आप जो कहते हैं ना कि वो मोदी का ग्राफ गिर रहा है, सूरज डूब रहा है, वोटरों से बात करके लगता नहीं? और लोकसभा चुनाव का नतीजा भी ऐसा कुछ नहीं कहता है, एनडीए आपसे आगे था इस बार, माने मुकाबला कड़ा है, या आप मानती हैं कि एज एनडीए को है? बिल्कुल नहीं, कोई मुकाबला कराया नहीं था, क्योंकि देखिए आप शुरू से देख रहे होंगे जब से यहाँ पे चुनाव आरंभ हुआ किस प्रकार से बीजेपी में खलबली मच गई, और यहाँ के लोकल जो क्षेत्रीय नेता थे वो लोग एकदम बैकफुट पे चले। मतलब क्षेत्रीय नेता को जहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए, और ठीक है कैंपेनिंग के लिए आते हैं बाहर से इनके लीडर्स, लेकिन आप देखिए 3 महीने से आसाम से यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा जी को अड्डा जमाना पड़ा है, आसाम घुलना पड़ा, पूरे गृह मंत्रालय देख लीजिए, पूरे कैबिनेट मंत्री को, खुद प्रधानमंत्री को, मतलब इतना ताकत कोई झोंकता है तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति यहाँ बनी हुई है। उसके बावजूद भी जब इन लोगों को लगा कि नहीं स्थिति तो भाजपा की सही है नहीं, तो फिर इनकम टैक्स और ईडी का छापा भी शुरू हो गया। तो ये सब कहानी देखिए पुराना हो चुका है, जनता बहुत जागरूक है, और इस बार का जो चुनाव है, फिलहाल आज जो 43 सीट का जो चुनाव हुआ इसमें तो कोल्हान का सारा सीट हम लोग का था, पिछले बार तो पूरा यहाँ की जनता ने लताड़ा है भाजपा को, और इस बार तो और गंदा हाल होने वाला है, आप देख लीजिएगा, इंतजार कीजिए 23 तारीख का। अच्छा, कितनी सीटें आ रही हैं आपको, कितनी सीटों का दावा कर रही है नीलम जी? देखिए हम अभी ये नहीं बताएंगे कितने सीटों का, ज्यादा से ज्यादा आने वाला है, पिछले बार का जो रिजल्ट था उससे भी ज्यादा सीट हम लोग को मिलने वाला है, कोल्हान तो पूरी तरह से हम लोग ले रहे हैं। पिछले बार भाजपा को मेरे ख्याल से 5-6 सीट आया था, 6 सीट या 7 सीट ऐसा था, इस बार वो भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है, अच्छा, वो जन मुद्दे पे लड़ाई लड़ रही है, जन मुद्दे पे ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है, झारखंड के विकास के लिए, यहाँ की समृद्धि के लिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, इनको तो चुनाव लड़ने भी नहीं आता है। आप देखिए हर जगह ये लोग हिंदू मुस्लिम और घुसपैठिए शुरू कर रहे हैं, जब पब्लिक बोर हो चुके हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं नीलम जी, आप कह रही हैं इनको चुनाव लड़ने नहीं आता, अरे 10 साल में 14 के बाद ये चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं, आप कह रही इनको लड़ने नहीं आता? मानक जी आप देखिए क्या स्थिति, 400 पार वाले कैसे कहां सिमट गए 240 पे, और किस तरह का बड़ा बड़ा और इतना ताकत झोंकने के बाद इनकी ये स्थिति, तो ये तो हास्यास्पद है। अच्छा राजीव रंजन, राजीव जी मैं आपको, अच्छा ओके नीलम जी आपका जवाब राजीव रंजन देंगे, राजीव अभी उसके बाद और दे दूंगा मौका, नीलम जी एक एक करके, ठीक है।